मयूर बिहार फेज वन में स्कूटी चार्जिंग के पैनल में लगी भीषण आग, 8 वाहन जलकर हुए खाक, 1 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। नैनीताल बैंक की देश भर की शाखाओं में 15 जून को होगी हड़ताल, बैंक के अधिकारियों ने किया है हड़ताल का ऐलान, एसोसिएशन के चेतावनी के बाद भी नहीं बन पा रही है सहमति। स्नैचिंग के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल और स्कूटी बरामद, आरोपियों के खिलाफ पहले से ही दर्ज है कई आपराधिक मामले। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, बारिश के बाद निकली धूप ने बढ़ाई उमस, बारिश के बाद भी नहीं मिली लोगों को गर्मी से राहत। जीटीबी अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, काफी संख्या में स्टूडेंट ने किया ब्लड डोनेट, महादान में भागीदार बने लोग, लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव, मैं हूं आपके साथ जेबा अंजुम, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के मयूर बिहार इलाके के फेज वन के नेक्स्टा कंपनी के बिल्डिंग में पार्किंग में स्कूटी चार्जिंग के पैनल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग के लिए लगा हुआ था, तभी अचानक पैनल में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि मौके पर 8 स्कूटी जलकर खाक हो गई है। आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये करीब 8-10 गाड़ी आई है, 2 गाड़ी पहले भेजी थी और जैसे स्थिति के धुआं को देखते हो गाड़ी की मेक फोर कैटेगरी गाड़ी, तो 8 गाड़ी और भेजी, टोटल 10 गाड़ी आई है। और फर्स्ट बेस्ट बैंड में ये इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग में लगा रखी थी, वो चार्जिंग पैनल बोर्ड और 8 स्कूटी इस फायर में चली है। सर कितने बजे कॉल थी आपके यहाँ? 12 बजे। सर कॉल कितने बजे की थी? ये 12:11 की हमें कंट्रोल से कॉल मिली, तुरंत हमें 2 गाड़ियाँ भेजी, तुरंत यहाँ पे 2 मिनट में आके 3 मिनट पहुँच के एक बात स्थिति के साथ उन्होंने फायर की कैटेगरी बढ़ा दी, तो उसको मेक फोर करी 12:15 मेक फोर कर दी, तो लगभग सब 10 गाड़ी यही आई थी, तुरंत ही आग को बुझा दिया गया। आग फर्स्ट बेसमेंट के स्कूटी चार्जिंग पैनल सिस्टम व 8 स्कूटियों में आग। तो क्या इसके अंदर फायर सेफ्टी के कुछ पार्ट्स? हाँ, फायर सेफ्टी का सब सिस्टम लगा हुआ है, फायर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, ओजरी लगी हुई है। नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की 12 जून को बड़े अधिकारियों के साथ हुई वार्ता विफल रही है, जिसके बाद एसोसिएशन ने 15 जून को नैनीताल बैंक की सभी शाखाओं में विरोध स्वरूप हड़ताल का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व दिल्ली के आनंद विहार में नैनीताल बैंक के कर्मचारी 15 जून से हड़ताल पर बैठेंगे। यूनियन अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से बड़े अधिकारी कर्मचारियों के भविष्य को ताक पर रखते हुए नैनीताल बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के पीछे पड़े हुए हैं। एसोसिएशन की तरफ से बार बार चेतावनी देने के बावजूद और कई बैठक होने के बाद भी इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं दूसरी तरफ 15 जून की हड़ताल के संदर्भ में बात करते हुए अफसर यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान शाखाओं में किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा और ग्राहक सेवाएं बाधित रहेंगी। नैनीताल बैंक में 15 जून 2024 में स्ट्राइक की घोषणा करी गई है। उस स्ट्राइक की घोषणा के कुछ कारण हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहला कारण ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें जिसकी अंशधारिता हमारे बैंक में 98.57% है, वो हमारे बैंक का विनिवेश करने जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने ये, जिसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये स्ट्राइक हड़ताल की घोषणा करी है, जिसके कारण उत्तर भारत में के 5 राज्यों में जहां पर हमारी शाखाएं हैं उसमें कार्य प्रभावित रहेगा। पूर्व
पूर्वी दिल्ली की जगतपुरी थाने की पुलिस ने इलाके में स्नैचिंग की वारदातों में सक्रिय पति पत्नी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल चोरी की स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान मारूफ खान के तौर पर हुई है। इससे पहले 9 जून को स्कूटी सवार एक बदमाश को मोबाइल छीन कर मौके से फरार हो गया था। मामले की जाँच के दौरान दोनों आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आगे बताया कि दोनों पति पत्नी पर पहले से ही अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली में हल्की बारिश के बाद लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन बारिश रुकने के कुछ समय बाद ही उमस पड़ गई। इससे लोग बेचैन नजर आए। हल्की बारिश से धरती की गर्मी पर कोई असर नहीं पड़ा। तापमान लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर में उमस से लोग परेशान दिखाई दिए। जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को खुशनुमा बना दिया, लेकिन ये खुशनुमा माहौल ज्यादा समय कायम नहीं रहा। सर, बारिश जिस तरीके से आज हुई है, लग रहा है कि मौसम में तपिश जो उसकी कम मिलेगी, कम होगी या फिर और बढ़ेगी? बिल्कुल, गर्मी की बहुत ज़्यादा राहत मिला है गर्मी से, और देख सकते हो पॉल्यूशन लेवल भी सबसे बड़ी चीज़ है। धूल मिट्टी बंद हो जाती है तो पॉल्यूशन लेवल भी सही हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ होनी, क्योंकि बारिश से तो बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो हमें काफ़ी राहत मिला है। कंटिन्यू बारिश 2-3 दिन हो तो थोड़ी राहत मिली, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो गर्मी कम होगी, वरना इस हिसाब से तो थोड़ी देर बारिश होने के बाद और फिर गर्मी तो बारिश बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मैम, उमस हो रही है क्योंकि बारिश अच्छे से बरस जाए तो ही अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ठंडक रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है और उस गर्मी की वजह से बारिश होना ज़रूरी है। बारिश नहीं होगा तो हल्की सी बारिश की वजह से उमस होगा, ये पानी ज़मीन सोख लेगा और उसकी वजह से और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, गर्मी होगा, तो जो फील्ड वर्क कर रहे हैं हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी गर्मी की वजह से, लोगों को भी गर्मी की वजह से परेशानी होगी। होपफुली पूरे दिन अगर ढंग से बरस जाए तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। अगर 2-3 दिन लगातार हल्की फुल्की बारिश हो जाए, हल्की 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 बारिश होती रहे तो ठीक है, वो चल जाएगा। पिछले काफी समय से जलती हुई दिल्ली को आज थोड़ी सी राहत इस बारिश ने दी। हालांकि ये बारिश काफी कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आस है कि लोगों को कि आगे भी इस तरीके से बारिश लगातार होगी और लोगों को इस गर्मी से राहत देगी। फिलहाल हम बात करें आज के मौसम की, तो बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम सुहाना हो चला है। आपको दिखाना चाहूंगी कि हालांकि बारिश बहुत कम है, बहुत हल्की बारिश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बारिश एक उम्मीद लेकर आई है कि जो पिछले समय से लोग तपती जलती गर्मी से परेशान थे, उससे लोगों को राहत मिल सकेगी और जो तपिश है धरती की वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगी। हालांकि जब भी थोड़ी बारिश होती है तो वो कहीं ना कहीं गर्मी को, उमस को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जो कि लगातार बीमारियों का सबब बनती है और लोग इससे ज़्यादा और परेशान हो जाते हैं क्योंकि गर्मी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसी तरह की बारिश 2-3 दिन लगातार होती रहेगी तो लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी, साथ ही साथ जो तपता हुआ मौसम था, जो तापमान लगातार बढ़ रहा था, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। तो जनता का भी ये मानना है जिस तरीके से बरसात आज हुई है, ये बरसात अगर 2-3 दिन लगातार होती है उसके बाद ही राहत मिल पाएगी, लेकिन अगर ये बरसात कुछ घंटे होने के बाद रुक जाती है तो इससे जो है तपिश और उमस, गर्मी साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सौम्या शर्मा, सीसीएन। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में विश्व वर्ल्ड डोनेट डे पर ब्लड डोनर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में यूसीएमएस स्टूडेंट ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर आप विधायक कुलदीप कुमार, पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूद रहे। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया और साथ ही रक्तदान किया। लोगों का कहना है कि रक्तदान करना एक महादान है, जिसकी मदद से लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं। ब्लड कहीं बनता नहीं है, ब्लड हम लोगों को डोनेट करते हैं तभी आगे को किसी को मिल पाता है, तो हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। और हमारे साथ अवधेश चौबे जी, जिन्होंने 108 बार ब्लड दिया है, 125 बार ब्लड दिया है और 60 साल से कम उम्र इनके भी है और उस उम्र में इन्होंने 125 बार ब्लड दिया है, तो लोगों को समझना चाहिए कि ब्लड देना आपके जीवन की आयु को बढ़ाने का काम करता है, आपकी आयु को बढ़ाने का काम करता है, आपके जीवन को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसलिए सब लोग मिलकर ब्लड दें, रक्तदान जरूर करें, रक्तदान महादान। मैं हर 6 महीने में खुद व्यक्तिगत तौर पे हर 6 महीने में ब्लड डोनेशन जरूर करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ। आज यहाँ पे 125 से ज़्यादा युवा डॉक्टर ने ब्लड दिया है और मुझे लगता है ये संख्या और बढ़ने वाली है। मैं तो इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, ईश्वर इनको और प्रेरित करे और ये आगे जाके समाज के अंदर लोगों को बोलें कि हमें ऐसे ब्लड देना चाहिए। तो आज ये हमने, मैं आज करीबन 25 साल से ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज के साथ कैंप लगाता हूँ। ये कैंप रेगुलर हमारा कैंप होता है हर साल और इसमें करीबन 150 से लगा के 300 यूनिट रक्तदान करते हैं। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डॉक्टर रक्तदान कर रहे हैं
सारे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो रक्तदान कर रहे हैं, प्लस डॉक्टर रक्तदान कर रहे हैं यहाँ के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर पहली बार कई लोग ऐसे हैं जो ब्लड देना चाहते हैं। पहली बार जब कोई आदमी ब्लड देता है तो उसका बड़ा डर होता है मन में कि मैं ब्लड दूंगा पता नहीं मैं कमज़ोर ना हो जाऊँ। तो इस आयोजन का मतलब विशेषता ये है कि यहाँ पर बच्चा पहली बार जब ब्लड देगा तो पूरी ज़िंदगी ब्लड देगा, और वो कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, क्योंकि ये ब्लड देने की एक उम्र होती है 65 साल। जब आदमी 18 साल की उम्र में 19 साल की उम्र में ब्लड दे लेता है तो उसका एक हौसला खुल जाता है। ब्लड डोनेट करना हमेशा बहुत अच्छे कॉज के लिए ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बार ही 5 बार डोनेट कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंट डोनर हूँ। बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे हमारे शरीर की जो गंदा ब्लड होता है वो बाहर आ जाता है थोड़ा सा। युवाओं को ये सजेशन देंगे कि ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरत होती है, कभी किसी के पास डोनर नहीं होता तो अपने पास से हम प्रोवाइड करा दें उसे ब्लड। युवाओं की तरफ से पूरा सहयोग है और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, समझते हैं। आजकल युवा जो है वो समझ रहा है कि भाई ब्लड डोनेट करने से हमें शारीरिक रूप से भी कितना बड़ा फायदा हो रहा है और हम समाज की तो बहुत बड़ा एक मदद कर रहे हैं, क्योंकि आज इतनी गर्मी चल रही है ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो हमारे ब्लड बैंक अगर ब्लड से भरपूर रहेंगे तो वो देने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निजात के लिए नालों की सफाई का कार्य किया गया है। नाले की सफाई तो कर ली गई है लेकिन उससे निकली गाद को उठाया नहीं गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाताओं ने पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया, जैसे कि सूरजमल बिहार, विवेक बिहार, GTB, ज्वालानगर और शिवम एनक्लेव का। आसपास के लोगों ने मौके पर बताया कि नाले से गाद तो निकाल दिया जाता है लेकिन टाइम से गाद को उठाया नहीं जाता। साथ ही लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि नालों की सफाई साल में सिर्फ एक बार की जाती है, वो भी केवल खाना पूर्ति के नाम पर, जिससे बीमारियां होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों को ये भी कहना है कि कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, इनकी डिसिल्टिंग देखी है, तो ये जहाँ तक चैम्बर खुला हुआ है वहाँ तक तो ये सफाई कर देते हैं, लेकिन उसके आगे जो कवर्ड है उसके नीचे अगर कोई लेबर लगा के पूरी सिल्ट निकाली जाए तो प्रॉपर इसकी सफाई मानी जाती है। लेकिन जितना ये ऊपर से चैम्बर के ब्लॉक रखे हुए हैं उसको हटाते हैं और सफाई कर जाते हैं। जैसी भी मशीन थोड़ा आगे तक जाती है दोनों साइड में, लेकिन प्रॉपरली जितनी आगे तक कवर्ड है उसकी सफाई नहीं होती तो फ़ायदा क्या हो गया उसका। उसके बाद पानी फिर ओवरफ्लो करेगा और उसके बाद सड़कों पर ही आएगा पानी, तो दिक्कत आने जाने में वो फिर वही दिक्कत रह जाती है। अगर ये रेगुलर सफाई होती रहे तो ये इतनी सिल्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सिर्फ सीजनल करते हैं, जैसे कि अभी बरसात से पहले के ऑर्डर होते हैं उस टाइम पे ये कर जाते हैं, लेकिन पूरे साल की सिल्ट इतनी जमा हो जाती है वो पूरी तरह सीमेंटेड हो जाती है, बहुत मुश्किल है, वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो नहीं निकल पाती। उसके बाद ये अगर ये रेगुलर फीचर हो इस तरह का निकालने का तब तो कोई फ़ायदा है। और अभी भी इन्होंने कोई लेबर एक्स्ट्रा लगा के, जैसे चैम्बर खुले हैं गैस की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं लेबर को भी, अगर वो अंदर तक उसमें लेबर लगाए जाए और सिल्ट निकाली जाए तो मैं समझता हूँ कि बरसात में फिर पानी की वो दिक्कत रुकावट की अभी ठीक तरीके से नहीं हो रही है। इसका गंध काफ़ी दिन में उठता है और जो ढक्कन होते हैं वो सही तरीके से नहीं ढकते हैं, उनको आने जाने में फुटपाथ पे पड़ी है तो काफ़ी समस्या आ जाती है निकलने में। हाँ जी, गिर भी सकता है धोखे से इधर उधर, वो जो बूढ़े ठेढ़े लोग हैं वो गिर भी सकते हैं, गिरने की संभावना रहती है। ये हमारे जो शिवम एनक्लेव के बाहर नाले की सफाई हुई वो प्रॉपर सफाई नहीं हुई अभी, इसके नीचे जो फुटपाथ बन रहा है उसकी पहली बात तो ये जगह छोड़ दी है, ये रोड बना देंगे ऊपर से उसमें लेंटर डाल देंगे या बंद कर देंगे तो ये फिर तो हो नहीं पाएगी, अभी जानबूझ के इन्हें छोड़ी है। अच्छा। उसके आगे तक कर गए और जो जहाँ से अभी निकला हुआ अभी हो सकती है सफाई, इसको इन्हें छोड़ दिया है। काम बंद कर दिया गया है? नहीं नहीं, हाँ काम तो बंद है, अब कल परसों आए थे आज तो आई नहीं, काम बंद ही है इसका मतलब। अच्छा, अभी सफाई हो सकती है नाला की, इन लोगों ने लेकिन करी नहीं है, ये होना चाहिए सफाई। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों का हमने जायज़ा लिया जहाँ पर नालियों की सफाई तो हो गई है लेकिन उनकी जो गाद है वो सड़क पर रखी हुई है, इसको उठाने के लिए कोई प्रशासन जो है नहीं आ रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें सूरजमल विहार, GTV एनक्लेव और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो नालियों की जो गाद है वो सड़क पर है, ऐसे में अब देखा यह जा सकता है कि कब तक वो गाद उठेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोई भी प्रशासन अधिकारी वहाँ उस गाद को उठाने में
जो है नहीं आ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महिंदा बोरा के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने दो अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और एक कार बरामद की गई है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने शाहदरा फ्लाईओवर लूप, मानसरोवर पार्क, मेट्रो स्टेशन के पास छापेमारी कर करीब 2000 क्विंटल अवैध शराब बरामद की है। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 11 जून को स्पेशल स्टाफ शाहदरा को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की बड़ी खेप की सप्लाई होने वाली है, जिसके बाद एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नवीन और होशियार सिंह के रूप में हुई है। दोनों संदिग्ध आरोपी हरियाणा के झज्जर जिले के गांव में रहते थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वे हरियाणा से दिल्ली तक अवैध शराब की सप्लाई करते हैं। पूर्वी दिल्ली में इस समय लोग पानी की कमी से परेशान हैं। एक तरफ तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के जागृति एन्क्लेव का जायजा लिया तो लोग पानी की समस्या से काफी परेशान नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल गर्मियों के महीने में तकरीबन 150 से लेकर 200 परिवारों को पानी की परेशानी से जूझना पड़ता है। लोगों को पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे समय पर भी राजनीतिक दल इसे लेकर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। समस्या का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर 7-8 साल से प्रॉब्लम है। गर्मियों में 3 महीने पानी बिल्कुल नहीं आता, और आता अब इन्होंने एक लाइन नहीं जोड़ी थी यहाँ, 1 महीने अच्छा पानी आया, 40 दिन से एक बूंद नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, प्रेशर ही नहीं है, टैंक मंगाते हैं हम, ये हमारा ही जा रहा होगा शायद ये टैंक। यहाँ इसी मजबूरी में पानी की समस्या की वजह से यहाँ लोग मकान बेच के जा चुके हैं। इसके कहीं उदाहरण है जागृति इंग्लैंड में। आज दिल्ली में इस समय जो समय चल रहा है उसमें आदमी 12 बजे सोता है और 3 बजे उठ जाता है ये देखने के लिए कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा, और गलती से पानी की अगर 2 बूंदे आ रही है तो आदमी ये चेक करता रहता है कि ये गंदा पानी तो नहीं आ रहा, और इसी चक्कर में वो पूरी रात बिता देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जो है पानी बाहर से टैंकर मंगवा के अपनी उसमें भर लेते हैं पानी, और बाद में गलती से हमने जो है कॉरपोरेशन का चलाया और वो हमारे टैंक में चला गया गंदा पानी, तो वो सारा का सारा पानी भी बेकार हो गया। तो इसलिए कई बार तो हम चलाते भी नहीं इस चक्कर में, और एक एक टैंकर को आउट ऑफ द वे हमारे को 500-600 रुपये टैंकर वाले को देना पड़ता है, जबकि वो दिल्ली जल बोर्ड का पानी होता है। पानी में रह के पानी के लिए रेगिस्तान हो रहा है, एक सोसाइटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सारी चीजें बेच के जाना पड़ेगा, क्या करें जब पानी नहीं है सोसाइटी में। कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही है? चली रही है 1-2 महीने से, तो बहुत ज्यादा 6 साल हो गए खरीद रहे हैं आप लोग, और क्या करें? टैंकर भी बुलाया जाता है। इससे ये कि एक तो पहली बॉडी में सारे के सारे टॉक्सिकन चले जाते हैं जो बिकम सिक इमीडिएटली बीमार हो जाते हैं, एंड सेकंड और दूसरी बात ये है कि उससे पानी से ये होता है कि मतलब बॉडी खराब होने से यू हैव टू स्पेंड अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, घर में हर एक आदमी को डिस्टर्ब हो जाता है, तकलीफ होती है, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? कोई सुनवाई, आज कितनी बारी कंप्लेंट लिख चुके हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनवाई ही नहीं हो रही। इतने सालों साल हो गए हैं ये प्रॉब्लम को झेलते झेलते, पानी आएगा नहीं। अगर सपोज आ भी गया तो नाली वाला पानी आएगा, तो नाली वाला पानी कैसे आ जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता, जल बोर्ड वाले आते नहीं है, अभी इतने दिन से मैं कॉल कर रही हूँ आके देखते तक नहीं है। जो टैंकर है, टैंकर आप लोगों के लिए आ रहा है या फिर खुद आप लोग मंगवा रहे हैं? मेंबर एक टैंकर मंगाया जा रहा है, और हमारी सोसाइटी में एक जो शॉप है वहाँ गैलन्स आती है, और पर मेंबर यहाँ रोज गैलन्स लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, आप 85-90 रुपीज की एक गैलन डेली खरीद रहे हैं पानी के लिए। हम कॉर्पोरेशन का पानी पी ही नहीं सकते क्योंकि कभी भी वो गंदा आ जाता है, नहाने के लिए भी बहुत गंदा क्योंकि स्मेली वाटर आ जाता है। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है रोज, और 10-10 बजे पानी के लिए चेक करना पड़ता है, पानी बिल्कुल एक बूंद नहीं आ रहा और स्मेली वाटर आता है। इस कॉलोनी की बहुत बुरी हालत है, नेता लोग खाली बोट लेने आ जाते हैं। जब पानी आता है सब आते हैं, विधायक सारे आते हैं।
जब पानी आता है तो इतना गंदा आता है, जब भी आता है इतना गंदा पानी आता है कि बच्चे अगर कूलर वगैरह भी करते हैं तो उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं कितनी बार अपने बच्चों को लेके जा चुका हूँ डॉक्टर के पास लेके जा चुका हूँ, डॉक्टर यही कहता है कि पानी की वजह से प्रॉब्लम है। मतलब हफ्ता हफ्ता 10 दिन जिस हम हॉस्पिटल में रह के आ चुके हैं सिर्फ इसी चक्कर। बहुत प्रयास करने के बाद अगर हम ये कहें तो हमने 70% इसके ऊपर सफलता प्राप्त की है, लेकिन वो 70% हमारी इसलिए जीरो हो जाती है कि जो 30% की समस्या है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। 30% के अंदर लगभग आप ये मान के चलिए कि 50 प्लॉट है जिसके अंदर 150 फैमिलीज हैं। यहाँ पे बिजली का बिल हर कोई देता है, हाउस टैक्स हर कोई देता है। अगर आपको पानी फ्री दिया जा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पानी आता ही नहीं है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरे कोशिश करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, वहाँ लेटर लिखना, यहाँ लेटर लिखना, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि लेटर को सिर्फ रेफर किया जाता है अपने जूनियर्स को। जूनियर से ट्रांसफर हुआ, रिप्लाई आता है कि हमने ट्रांसफर कर दिया, एक्शन इज बीइंग टेकन, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। कोई नहीं आता। मैं जेई को फ़ोन किया, जेई से बात करते हैं, कहते हैं 3 दिन के बाद कंप्लीट सॉल्व हो जाती, 3 दिन तो जब फिर रिमाइंड करते हैं, कहते हैं आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई, जेई ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 35 साल के युवक ने बुजुर्ग पिता की डंडे, ईंट और पत्थर से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद अब परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी बेटे को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय टिर्की ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अपने छोटे बेटे अरुण के साथ रहता था। छोटे बेटे अरुण का पिता से अक्सर झगड़ा होता रहता था। अरुण चाहता था कि मकान पिता उसके नाम कर दे, लेकिन पिता मकान में अपने बड़े बेटे को भी हिस्सा देना चाहता था, लेकिन छोटा बेटा अरुण पूरे मकान अपने नाम करने का दबाव पिता पर बना रहा था, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा दोनों में होता था। और इसी झगड़े में अरुण ने डंडा और ईंट पत्थर से हमला करके अपने पिता की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी थाने की पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नदीम निवासी कबीर नगर के रूप में हुई है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 4 स्कूटी बरामद की गई हैं। DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी, इस दौरान एक संदिग्ध स्कूटी सवार को देख कर रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वह भागने लगा। इसके बावजूद भी पुलिस ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वही उसका साथी नीतीश मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पूर्व दिल्ली की कृष्णनगर थाने की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से साथ ही पुलिस ने 3 चोरी के मोबाइल फोन और एक चाकू बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 जून को शाम के टाइम लगभग 6:30 के पास कांति नगर में चाकू की नोक पर एक मोबाइल फोन की लूट के संबंध में एक PC और कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि पैदल चल रहे अपराधी ने नाला रोड कांति नगर में उसका पीछा किया था। भूतेश्वर मंदिर के पास पहुंचने पर आरोपी व्यक्ति ने बटन वाले चाकू का डर दिखाकर शिकायतकर्ता का फोन लूट लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।